हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का चीला। इस रेसिपी में मैंने लौकी ऐड करी है। इसके अलावा आप कैप्सिकम या स्पिनिच भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मूंग की दाल के चीले की रेसिपी कैसी है, कैसे बनाते हैं इसे। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल के चीले। इसके लिए हमने साबुत हरी मूंग की दाल को स्प्राउट्स कर लिया है। ये 4 से 5 कलियाँ प्याज की हैं और ये आधी लौकी को काट लिया है। ये एक हरी मिर्च है। इसके अलावा आप 3 से 4 हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। ये 5 से 6 कली लहसुन की है। इन सबको हम ब्लेंड कर लेंगे मिक्सी के जार में। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि पेस्ट थोड़ा स्मूथ बने। ये बैटर हमारा पिस गया है। अंदाजे के हिसाब से हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चीला बनाना है तो उसके लिए स्मूथ पेस्ट चाहिए। इसमें हम नमक ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से नमक ऐड करिए इसमें। और ये कुकर ओट्स है, ये मैंने पीस लिया है, मिक्सी कर लिया है। इसे भी हम इसमें ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बैटर रेडी है। ये सुबह के नाश्ते के लिए, मूंग की दाल के चीले के लिए बैटर अब रेडी है। हमारा तैयार है मूंग की दाल का चीला। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं।